नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। यूं तो राजस्थान में कई तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस फर्जीवाड़े का आज हम खुलासा करेंगे उसे आप अंदाजा लगाइएगा कि कैसे ग्रामीण स्तर तक सीएचसी स्तर तक फर्जीवाड़ा होता है और कैसे इलाज को दवाओं के जरिए डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर के गठजोड़ ने मरीजों की कब्र तोड़ कर रखती है, क्योंकि निशुल्क मिलने वाली दवाओं को यहां पर दिया नहीं जाता और जो दवाएं डॉक्टर साहब लिख कर देते हैं वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे चल रहा है यहां पर ऑपरेशन दवा धंधा। दवा जब धंधा बन जाती है तो फिर लगता है कि पूरा सिस्टम या तो अंधा है या फिर बेहद गंदा है, जिसकी गंदगी लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। यूं तो राजस्थान में कई तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस फर्जीवाड़े का आज हम खुलासा करेंगे उसे आप अंदाजा लगाइएगा कि कैसे ग्रामीण स्तर तक सीएचसी स्तर तक फर्जीवाड़ा होता है और कैसे इलाज को दवाओं के जरिए डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर के गठजोड़ ने मरीजों की कब्र तोड़ कर रखती है, क्योंकि निशुल्क मिलने वाली दवाओं को यहां पर दिया नहीं जाता और जो दवाएं डॉक्टर साहब लिख कर देते हैं वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे चल रहा है यहां पर ऑपरेशन दवा धंधा। दवा जब धंधा बन जाती है तो फिर लगता है कि पूरा सिस्टम या तो अंधा है या फिर बेहद गंदा है, जिसकी गंदगी लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मजबूरी में महंगी दवा खरीदने पर मजबूर मरीज, मेडिकल स्टोर पर चार गुना से ज्यादा वसूले जा रहे पैसे, एक दुकान को छोड़ किसी अन्य पर नहीं मिलती दवा। हालात इस कदर खराब हैं कि सर्दी जुकाम तक की दवाएं 400 रुपए तक की लिखी जा रही हैं, जो ग्रामीण इलाके में हर किसी के लिए खरीदना आसान नहीं है, और निःशुल्क दवा तो दी ही नहीं जा रही। इस दौरान जब डॉक्टर साहब से सवाल पूछा गया तो वो क्या कहते नजर आए, ये भी सुनिए। दवाई आती इतनी है, दवा आती है हमारे पास, वो थोड़ी बहुत ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। यूं तो राजस्थान में कई तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं,
लेकिन जिस फर्जीवाड़े का आज हम खुलासा करेंगे उसे आप अंदाजा लगाइएगा कि कैसे ग्रामीण स्तर तक सीएचसी स्तर तक फर्जीवाड़ा होता है और कैसे इलाज को दवाओं के जरिए डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर के गठजोड़ ने मरीजों की कमर तोड़ कर रखती है, क्योंकि निःशुल्क मिलने वाली दवाओं को यहां पर दिया नहीं जाता और जो दवाएं डॉक्टर साहब लिखकर देते हैं वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे चल रहा है यहां पर ऑपरेशन दवा धंधा। दवा जब धंधा बन जाती है तो फिर लगता है कि पूरा सिस्टम या तो अंधा है या फिर बेहद गंदा है, जिसकी गंदगी लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर डॉक्टर इलाज के नाम पर जनता को लूटने पर मजबूर कर रहा है और कैसे दवा कंपनियों से लेकर मेडिकल स्टोर और डॉक्टर तक यहां पर इस गठजोड़ के जरिए दवा और धंधा चला रहे हैं जिसमें जनता लूट रही है। ये सुनाएं, उससे पहले आपको ये सुनाते हैं कि यहां जो बाकी के मेडिकल स्टोर मालिक है वो इस दवा धंधे के बारे में क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। हाँ, जेके मेडिकल बड़ौदा में जी, तो इनकी पर्चियां आती हैं, ऐसा लिखते हैं, वो समझ में नहीं आती, कोड वर्ड की तरह लिखते हैं और सारी सेटिंग की दवाइयां लिखते हैं जो बाहर नहीं मिलती, भारी मिलती है बस उसे, भारी हॉस्पिटल के भारी मिलती है, बाजार में 20 दुकानें किसी को भी नहीं मिलती है, मतलब आपकी दुकानों पे एक पे भी वो दवाइयां नहीं मिलती है? नहीं मिलती है बिल्कुल। वहीं दिगंबर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है मेडिकल यूनिट के, उनसे बातचीत करते हैं। दिगंबर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी, आपका भी हमारे ओर से। जी दिगंबर सिंह जी, ये मामला अब तक भी पहुंच गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दवा के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है और लूट यहाँ पर मची हुई है, जनता ठगी जा रही है, मरीज बेचारे निःशुल्क दवा के लिए यहाँ पर तरसते नजर आते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? यही साहब, गरीब जो जनता है इसका ही लूटपाट न हो, ईमानदारी से सबका इलाज हो और अंदर से जो सरकारी दवाइयां पहले बात तो वही दी जाए और ये जो डॉक्टर हैं ये क्या है कि हॉस्पिटल टाइम में तो अंदर बैठते हैं, उसके बाद ये बाहर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें भी करते हैं प्रैक्टिस और दवाइयां ऐसे लिखते हैं जो सिर्फ एक ही मेडिकल पर मिलती हैं ने और बड़ौदा में टोटल 25 दुकान है। अच्छा, दिगंबर सिंह जी जरा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या वजह है कि 25 मेडिकल स्टोर यहाँ पर है लेकिन फिर भी एक ही मेडिकल स्टोर पर यहाँ पर दवाइयां दी जाती है, कोडवर्ड लिखा जाता है, बाकी मेडिकल स्टोर यहाँ पर ठगी से महसूस करते हैं, क्या कोई गठजोड़ चल रहा है क्या डॉक्टर और यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर के बीच में? हाँ जी, ये कमीशन का एक खेल है, मेडिकल और डॉक्टर है इसके बीच में गठजोड़ है। तो क्या शिकायत नहीं की इसे लेकर बाकी मेडिकल स्टोर? हमने पहले भी कई बार शिकायत की कर चुके हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं, यूनियन के जो सारे जो है ना सदस्य मेडिकल के सारे वो सारे गए हुआ, लेकिन कई बार इन्होंने हाँ भी करी है, हम करेंगे इसमें सुधार, लेकिन फिर कोई सुधार नहीं किया। अच्छा, वही कमीशन के चक्कर में लिखते हैं और जो दवाई है सिर्फ एक मेडिकल पे मिलती है, हमने कई बार ये भी करी थी अलवर मिल जाए किसी होलसेल की दुकान पे, लेकिन हमारे हम वो दवाइयां हमको उपलब्ध नहीं हुई। दिगंबर सिंह जी जरा ये बता दीजिए कि कितने समय से गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है? ये धंधा करीब चल रहा है साहब 1.5 साल से। अच्छा, 1.5 साल से चल रहा है और किसी को ध्यान नहीं है और निःशुल्क दवा यहाँ पर मिलने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिगंबर सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम भी इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जनता यहाँ पर ठगी जा रही है, वो बेचारी आके जाए तो जाए कहाँ, ये सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता स्टूडियो से स्मित पालीवाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं।
स्मित, आपने भी सुना दिगंबर सिंह जी जो कि मेडिकल यूनिट के अध्यक्ष है वो भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है, बाकी जो मेडिकल स्टोर है वो खुद को ठगा से महसूस करते हैं, कमीशन खोरी का खेल एक मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर चल रहा है और किसी को कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल पूनम, यहाँ लंबे समय से इस तरह की शिकायत आ रही थी, अभी सरकार भी अलवर दौरे पर थी लेकिन तब भी राज्य सरकार के नुमाइंदों को ये शिकायत की गई लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लगभग 150 गांव इस समस्या से परेशान हैं, वहाँ लगातार ओपीडी के अंदर जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है लेकिन सिर्फ एक मेडिकल स्टोर सोनी मेडिकल जिसका नाम है और ओपीडी के जो डॉक्टर हैं भगवान, जो मरीजों के भी भगवान हैं लेकिन वो मरीजों के लिए जान के दुश्मन बने हुए हैं। परेशानी है, गरीब मरीज यहाँ मजबूर हो गया है, दवाइयों के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है उसको लेकर आम जनता खासी नाराज है। स्मित, यहाँ पर निःशुल्क दवा का वितरण नहीं हो रहा है, ये बड़ी समस्या आ रही है। जो पीड़ित मरीज है वो दर दर भटकते हुए नजर आते हैं, अगर मामूली खांसी जुकाम है उसका बिल भी यहाँ पर 300-400 रुपए बना दिया जाता है। क्या मुमकिन है कि 1.5 साल हो गया निःशुल्क दवा नहीं मिल रही है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर भेजा जा रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल स्टोर पे? बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही है राज्य सरकार की, चिकित्सा मंत्री की बड़ी लापरवाही है क्योंकि 1.5 साल एक लंबा समय होता है और 1.5 साल के दौरान लगभग 3 बार मुख्यमंत्री खुद उस क्षेत्र में जाके आई है। इसी के साथ चिकित्सा मंत्री लगातार दौरे करते हैं और सुशासन की बात करते हैं लेकिन एक 150 जो गांव को जोड़ता है उस जगह सीएचसी पर अगर निशुल्क दवाइयां ना मिले तो 150 गांव के अंदर इसका असर भी होता है और उपचुनाव के अंदर वहां के जो वोटर्स से उन्होंने राज्य सरकार को इसका एक करारा जवाब भी दिया है क्योंकि वो सभी इस समस्या से पीड़ित थे, परेशान थे। एक गरीब आदमी को अगर खांसी जुकाम की दवाई लेने के लिए भी 400 से 500 रुपए खर्च करने होंगे जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार ये दावा करती है कि हर मरीज तक निशुल्क दवाई जा रही है जबकि ये सिर्फ कागजों के अंदर यहाँ देखने को मिल रहा था। तो इसका एक जवाब वहाँ वोटर्स ने दिया राज्य सरकार को और कहीं ना कहीं चिकित्सा मंत्री का एक फेलियर भी ये साबित होता नजर आ रहा है। दवा के नाम पर यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा है ये कहना भी गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्मित यहाँ पर तमाम अपडेट देने के लिए। और अब स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, इस पूरे मामले को आप समझ गए होंगे, बड़ा ही गोरख धंधा यहां पर चल रहा है, दवा के नाम पर कहने को इसलिए मजबूर हो गए हैं कि जो मरीज यहां पर आते हैं लगभग कई गांव यहां पर लगते हैं, वो मरीज जिनके पास उनकी माली हालत खराब है, जुकाम के यहां पर जो उनका बिल बनता है उसके 300-400 रुपए देने पड़ते हैं और 25 मेडिकल की जगह सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर उन्हें जाना पड़ता है, क्यों? देखिए, पहली बात, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ज्वलंत इशू पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, सरकार ध्यान आकर्षित किया है और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर ये पहली घटना देखने को मिली है और इसलिए मेरे अभी आपके एंकर कुछ कह रहे थे कि राजस्थान में सरकार का फेल्योर है, एक घटना को राजस्थान सरकार का फेल्योर नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप जांच का विषय, हम इसकी निश्चित रूप जांच करवाएंगे और जांच के माध्यम जो दोषी होगा चाहे वो डॉक्टर भगवान हो या अन्य कोई व्यक्ति हो इन सबको इनके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये जिस पर कॉर्ड वर्ड्स की बात है पूरे राजस्थान में आप एकमात्र उदाहरण इस बात का मिला है और निश्चित रूप से ये गंभीर बात है और इसको बड़ा चिंताजनक है। लक्ष्मीकांत जी, क्या इस बात की भी जाँच करवाई जाएगी कि लंबे वक्त से यहाँ पर निःशुल्क दवा क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, जहाँ तक जानकारी मैंने की है अभी तक कि करीब 1-1.5 महीने करीब से यहाँ पर निःशुल्क निःशुल्क दवाओं कुछ अभाव रहा है, कुछ दवाएं हैं कुछ दवाएं नहीं है लेकिन निश्चित रूप से यहाँ कहीं कहीं स्टॉक के मिलने के सामने आने का अंदेशा है और इस बात की भी जांच की आवश्यकता है कि जब स्टॉक खत्म होने के बाद स्टॉक के बारे में क्यों नहीं जानकारी दी गई कि हमारा स्टॉक है या नहीं है, ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से स्टॉक उपलब्ध करवानी चाहिए, स्टोर कीपर को भी करवानी चाहिए थी और वहाँ के डॉक्टर्स को भी करवानी चाहिए थी। लेकिन 1-1.5 महीने का समय वही है ना जब आप वहाँ पर थे, गाँव गाँव ढाणी ढाणी जा रहे थे, चुनाव का वक्त था, क्या तब ये समस्या सामने नहीं आई आपके? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक रही है इसमें, मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूँ, निश्चित रूप से हमारी कहीं चूक रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की चूक रही है और हम सबके निगाहों से ये सब बात इतनी बड़ी बात ओझल कैसे नहीं, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ऐसे में जनता आपको धन्यवाद जरूर करेगी लक्ष्मीकांत जी कि अगर आप इसकी समस्या का समाधान करेंगे। 1.5 साल हो गए हैं, एक कमीशन खोरी का खेल यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ मेडिकल यूनिट के अध्यक्ष जुड़े थे, उनका साफ साफ कहना है कि जो 25 यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स वाले उसमें सिर्फ एक मेडिकल स्टोर वाला जिसके पास दवाइयों के लिए मरीजों को भेजा जाता है, कोडवर्ड यहाँ पर लिखा जाता है जो सिर्फ भाषा सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर को समझ में आती है, ये समझ से परे है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ये सब एक जांच का विषय और गंभीर बात है, मैं इस बातों का इनकार नहीं करता, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये बात गंभीर नहीं है, ये बात पूर्णतया गंभीर है और जिस प्रकार राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ कोई भी डॉक्टर खिलवाड़ करने की कुछ चेष्टा कर रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और जिस व्यक्ति ने काम किया उस पर निश्चित मान के चलिए 2-4 दिन में कार्रवाई होगी। चलिए, आप यहाँ पर आश्वासन देने की बात कर रहे हैं लेकिन तमाम सवाल और खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लक्ष्मीकांत जी, फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद सुनाएंगे मरीजों की जुबानी
ठगी की कहानी, साथ ही वो सवाल भी जो इस दवा धंधे पर खड़े हो रहे। एक बार होता है कि पेशेंट ज्यादा है तो रनिंग में हो सकता है कि भाई पैरासिटामोल पीए पीसीएम करके लिख दिया।